मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। देखा आपने, ये है मेरा परिवार और मैं हूँ श्री 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 प्रसाद कुमार का इकलौता सुपुत्र प्रेम। अपने बेटे की शादी कब करोगे? क्या सलमान की शादी हो जाने के बाद? पंडित जी ने आग में घी डाल दिया था, अब तो मेरी वाट लगने ही वाली थी। ये प्रेम कहाँ है? What can we do for you? इस शोरूम में ना एक हैंडसम लड़का था, you know, जिसने मुझे कार बेची थी। ठीक है। Hi. मेरी कार में ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ तक कैसे लाई? मतलब स्टार्ट तो हो रही है, मतलब लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। Impossible. That is Mercedes Benz. दुनिया की एक नंबर गाड़ी है। Then show me. तुम ही आओ ना, चला कर दिखाओ। तू जा रहे? मैं फ्री नहीं। जी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। आज मेरा मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत है। मंदिर तो बाद में भी जा सकते हो। ये मेरा नंबर है, कॉल मी जब भी तुम फ्री हो। बाय। बम्बाट पोटी थी यार, तुझे तो वो लाइन दे रही थी, उसे भाव क्यों नहीं दिया? तू लड़कियों से इतना दूर क्यों भागता है यार? कुछ गड़बड़ है क्या? वो क्या ना, लड़कियों को देखकर मेरा फ्यूज ऑफ हो जाता है। कहीं तेरा टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया? तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? तो इसका मतलब कहीं तुझे हम लोगों में तो इंटरेस्ट नहीं है? तुम सब क्या ऐश्वर्या के डुप्लीकेट हो जो मुझे तुम्हें इंटरेस्ट होगा? करेक्ट। क्या करेक्ट? हम लोगों को हर तरह की पिच पर खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, तो क्लीन बोर्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट? ये मैच नहीं, लाइफ है। बात में दम है। तुझे फिगर नहीं जमा? फिगर की बात तो तू बिल्कुल मत कर। पता नहीं शादी के बाद तेरे बच्चे होंगे कि नहीं, हमें तो इस पे भी डाउट है। जी, ये सब किसके लिए? प्रेम के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा ने कल क्या कहा था? आज वो प्रेम का चेकअप कराने ला रहे हैं। बापूजी, अचानक मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? आपका बीपी ठीक है ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते सर। बैठो, बैठो। उधर नहीं पिताश्री, इधर आइए। आप मेरी बात मानिए, नमक और चटपटा खाना बंद कर दीजिए। अबू चिपके मत, स्वर्गवासी अम्मा को बुरा लग जाएगा। चलिए। पापा, सिस्टर, सुबह से खास खास कर इनके फेफड़े भी हिलने लगे हैं। सुबह से पता नहीं क्या हो गया इन्हें। बैठिए बैठिए। दीदी प्लीज चेक करो ना पापा को। हाँ हाँ, बैठ रहा हूँ। तुम बैठ जाओ। बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ज्यादा खांसी है, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। गौरी, क्या हुआ है पापा को? देखने तो दो। इतना टाइम क्यों लगा रही है? घर का कैसे है? जल्दी बोल। आज लगे हाथ, तुम भी अपना चेकअप करवा लो। जीजू, बापू देख रहे हैं, तुम भी ना। प्रेम, तुम्हारा बदन तो बड़ा गर्म है, जरा मुझे तुम्हारे पर। मेरा बीपी क्यों? कल रात तुम कहाँ थे? धीरे धीरे, इधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो? पापा, क्या हुआ? जा रहे हैं। मुझे भी देख। पिताजी के सामने कैसी नंगी नंगी तस्वीरें दिखा रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी। जीजा, आज मुझे किसी भी हाल में करने दो। पहले अश्लील फोटो दिखाए, अब पैंट खोल रहे हो, केस क्या है बोलो? वही तो स्टडी कर रहा हूँ। तुमने शादी करने से मना कर दिया। हाँ तो पापा जी ने कहा कि तुम्हारा पूरी तरह से चेकअप कर लूं, तो चलो करने दो। ये है हीरोइन की माँ, मतलब ये पुतला नहीं, जो अभी आएंगी, जो अपने गुरूर के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको यकीन नहीं होता तो देखिए मैडम का तमाशा। क्या रे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई कायर साले? मेरे पुतले को आग लगाना चाहता था, नहीं मुझे लगा आग, दम है तो लगा मुझ में आग। देख क्या रहा है लगा साले, निकाल माचिस, निकाल माचिस लाओ। ले पकड़ पकड़, चला दे मुझे, चला चला। क्या हुआ मैडम, क्या कर रही है? अंधा है साले, तुझे दिखता नहीं?
इसके हाथ में माचिस है, मैं पेट्रोल में नहाई हूँ, तब भी पूछा क्या हुआ मैडम? साले मैडम को जलाएगा, चल पुलिस स्टेशन। टॉवल लेकर आओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो प्रेम? प्रेम चुप तो, अपना सिर क्यों पीट रहे हो? दीदी तुम्हें नहीं पता जीजा जी और पापा ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया बताओ तो। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। कैसे बताऊं? आपको लगता है मैं नपुंसक हूँ इसलिए हॉस्पिटल ले गए? बाप हो या कसाई? बाप हो तुम्हारा, इसीलिए चिंता लगी रहती है मुझे। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे वंश की वृद्धि कैसे? हाँ, तुम्हारा वंश तो शाही वंश रहा है ना। शामू यहाँ। हाँ बड़े बाबा। अरे मर गया। अरे आप जल्दी से शादी कर लो ना छोटे बाबा। चुप रे। प्रेम का तो टेस्ट होने वाला था ना। हाँ गए थे पर मैं बताता हूँ। क्या हुआ? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। अगर बादलों में पानी ही ना बचा हो तो वो बरसेंगे कैसे? है आर्टिफिशियल बारिश कराओ। अरे इसे समझाने से आप क्यों लेटे? बुरा लगा ना? तो फिर कर ले शादी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं कहते बेटा। तेरी माँ हर रोज मेरे सपने में आकर पूछती है कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं की। अब मैं उसे क्या जवाब दूँ? सॉरी पप्पा, लड़की ढूंढो। यह है ऑप्शन नंबर वन। कैसे हैं आप सर? हाँ अच्छा। ये है मेरा साला प्रेम। हाँ हेलो, सब ठीक है ना? और ये है इनकी बेटी। हाय। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शादी के बाद क्या करने का विचार है? जो भी परमेश्वर चाहेंगे। मेरा मतलब है कोई जॉब या फिर आपको आगे भी स्टडीज करनी है? जो भी मेरे पति देव चाहेंगे। आप आगे कुछ तो करना चाहती होंगी ना? बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जो भी मेरे अन्नदाता चाहेंगे। और फैमिली, बच्चे? जितने मेरे पति परमेश्वर चाहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? जो आपको अच्छा लगेगा वो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो वही करूंगी जो मेरे पति चाहेंगे। आप मेरे परमेश्वर बनेंगे। जैसा तुम उसे करने को कहोगे वैसा ही वो करेगी। और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जिस लड़की से मिला वो नहीं चाहिए। नाटक? क्या नाटक? मुझे एक वेल एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड, मैच्योर, बैलेंस, स्टाइलिश और स्वाभिमानी लड़की चाहिए। धनंजय की बहन? करेक्ट। मेरे कलीग की बहन है सुषमा। तुम्हारी जो भी डिमांड्स है ना, वो सारी उसमें इनबिल्ट है। ये है ऑप्शन नंबर टू। हाय, आई एम सुषमा, सुषमा ठाकुर। हाय, मैं प्रेम। आप कुछ लेंगे? केक। केक? केक से डायबिटीज होती है। तुम्हें हरी चाय पीनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक्सक्यूज मी, दो पानी कम हरी चाय। तुम्हारा नाम प्रेम प्रसाद, सन ऑफ राम प्रसाद। लंबाई 6 फीट, वजन 78 किलोग्राम। तुम्हारे सिर्फ 4 दोस्त हैं। हफ्ते में 3 दिन साईं बाबा के मंदिर में माथा टेकते हो, राइट? सैटरडे को रात 9 से 12 बजे तक पब में रहते हो। वोडका के 2 पैक में ही तुम टल्ली हो जाते हो। वो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम अभी तक वर्जिन हो। वाओ, मुझे वर्जिन लड़के बहुत पसंद है। तुम खबरी हो या फिर रिपोर्टर? मैंने डिटेक्टिव हायर किया था। मेरा प्रोफाइल देखना चाहोगे? एक्चुअली पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। बताओ। नंबर वन, तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली है ना? मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहूंगी। नंबर टू, मुझे पाली हिल में 1 3-बेडरूम फ्लैट चाहिए, स्विमिंग पूल वाला। 1 बेडरूम तुम्हारा, 1 बेडरूम मेरा और 1 बेडरूम हम दोनों का। हम दोनों का भी तो एक पर्सनल बेडरूम होना चाहिए ना। नंबर थ्री, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना भी तुम्हें बनाना होगा और झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना होगा। नंबर फोर, रात में मेरे पैर बहुत दुखते हैं, दबाने पड़ेंगे। और हाँ, नंबर फाइव, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। हफ्ते में सिर्फ 2 बार मतलब? हाँ, जो तुम समझ रहे हो वही मैं कह रही हूँ। मैं दबाऊंगा इसके पैर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही है? जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी तू? है, कल आ दबा दूंगा तेरा। महारानी समझती है क्या तू अपने आप को इंग्लैंड की? 2 बार हफ्ते में है। आज शाम को पब में चलेगा। बाय। ये है ऑप्शन नंबर 3। हाय। हाय, आई एम प्रेम। मैंने पता है, हाउ हैंडसम। I'm Joe.
और इससे मिला? अरे क्या यार, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है निकी। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। क्या नाम है आपका? जो जो जोत्सना यार। ओ जो, शादी के लिए लड़की से पब में मिलना कितना एक्साइटिंग है। मुझे तुम्हारी बहन बैग्स ने बताया कि तुम शादी करना चाहते हो। यू आर सो हैंडसम, टू वोडका शॉट्स प्लीज। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना जी, ये तो हमारे लिए है। तुसे ड्रिंक नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वो आज मंगलवार है ना। एक्चुअली मैं भी पीती नहीं, पर मैं ये मॉडलिंग करते करते पीने लग गई। 6 months के बाद मिस यूनिवर्स के लिए जाऊंगी। सिलेक्ट होने के बाद 5 years तक नो मैरिज एंड किंगफिशर कैलेंडर मिल गया तो लाइफ चंगी। समझ सकता हूँ। एड्स, फिल्म्स, फैंटास्टिक करियर है जी। पर तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के को देखकर तो शादी करने का मन कर रहा है जी। I'm confused यार। अगर तैनू शादी करनी है तो 5 साल तक रुकना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं अब नहीं झेल सकता। एक 18वीं सदी की है तो दूसरी 25वीं सदी की, और तीसरी तो मुझे एक पोता दे दो। अगर आपने दोबारा शादी की बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पोता, अब मेरे चाचू की देखो कैसे दुर्गति लगती है। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे छोड़ दो ना। नहीं छोड़ूंगा। ओके 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 ओके। मामा जी, तुम बच्चों को देखकर मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ। मामा जी रुको रुको। हाँ ठीक है भांजियों। उस दिन के बाद हर जगह मुझे वो लड़की दिखाई देने लगी। सोते जागते उठते बैठते मुझे बस उसका ही चेहरा नजर आता। आखिर एक दिन मैंने अपनी बहनों को अपने दिल की बात बता दी, और मेरी बहनें तो एफएम रेडियो थी, उन्होंने ये बात फौरन जाकर पापा को बता दी। और मेरे पापा, उन्हें और क्या चाहिए था, वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस घड़ी में लिखी थी। हाँ मम्मी, पार्टी वर्कर के साथ है, जरा होल्ड कीजिए, मैं फोन देता हूँ। हेलो, क्या मुंडेश्वरी जी? नमस्कार। नमस्ते प्रसाद कुमार जी, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। आपके तो पूरे राज्य में चर्चे हैं, खेती बाड़ी में काफी नाम है आपका, सामूहिक विवाह भी करवाते हैं आप। आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आम इंसान हूँ। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, बिना झिझक खुल के बोलिए। देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं और ये मेरे 3 दामाद हैं। खुशी। नमस्कार। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, हम कृष्णा जिला जनकपुरी से हैं, हम सब वहीं के रहने वाले हैं। मेरी बेटी राजेश्वरी। मोटू राम तू। अरे मेरा बचपन। हम दोनों लंगोट पहनने की उम्र से लंगोटिया यार है। ये प्रसाद कुमार मेरा बचपन का दोस्त है। 40 साल बाद मिल रहे हैं। दादी पहले मेरी बात सुनाना। सुचित्रा, हमारी निशा के लिए शादी का प्रपोजल आया है, और ये लोग कौन है? ये आप क्या बोल रही है माँ? चुप रहिए। माँ है मेरी। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो घर की बुजुर्ग है। मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा, तुम में कितने संस्कार है, इतना क्या सोच रही है? हाँ कह दे। तू अपने बेटे का रिश्ता लाया है, वाकई यकीन नहीं होता। चलो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। सुनिए एक मिनट, कुछ बात करनी है। निशा के मम्मी पापा की वो 2 मिनट की बात मेरे लिए 200 साल लंबी थी। उन 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। ये रस्म भी पूरी कर दे।
अच्छा वो मुच्छर तुम्हें पसंद तो है ना? निशा के विवाह का शुभ समय आया है, वैशाख के सुंदर माह में 18 तारीख को, अगले महीने की पूर्णिमा को, शुक्रवार की सुबह 10 बजे, शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में, सुचित्रा देवी अपनी इकलौती प्यारी बेटी निशा का कन्यादान करेंगी। Hi, I'm Prem. Hi. ये निशा। नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी पहली शादी है। ओ, पहला शादी? मैं पहली बार हनीमून पर जा। समझा। असल में इनका मतलब ओके ओके, मैं इसका बात समझ गया। आप समझ गए ना? थैंक यू। तुम्हारी शादी हो गई? अभी तक नहीं, पर हो जाएगा। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? Oh my God, तुम अंदर कैसी बहकी बातें कर रहे थे? ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए। कुछ भी मत बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कौन है? Guess? अरे बोलो ना बाबा, कौन है? अरे गेस ना। अरे बोलो ना। हाय। हाय। हाउ आर यू? फाइन। बाय गॉड की कसम, कितनी बार तुम्हारा नंबर मैंने ट्राई किया, हर बार बिजी। कहाँ रहते wait, हो तुम? वेट वेट वेट, ये निशा है। हाय अंजू। निशा, तुम फ्रेंड हो उसकी? जी नहीं, इसकी मंगेतर। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम भी जरूर आना। हाँ। ओह माय गॉड, मैंने एक बात बोलनी है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए, प्लीज बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई एम सॉरी बट आई हेट यू। ऑल द बेस्ट। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। बाय। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? निशा, वो बस मेरी दोस्त है। बहुत मॉडर्न है पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। I love you. मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। स्टेज डेकोरेशन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है। देखो डैड, मेरे साथ आइए। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो मेरी बहन निशा के लायक नहीं है। रह चुप। किसी भी इंसान का स्टेटस उसके काम से होता है, उसकी लायकी पैसों से नहीं गिनी जाती। अब वो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। जाके शादी की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मेरी बात तुझे समझ में आई कि नहीं? अब जा। हाय, क्या कर रहे हो जानू? तुम्हारी याद में फ्रिज में पिघल रहा हूँ। अभी से पिघलोगे तो बाद में मेरा क्या होगा? मुझे तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के लिबास में सबसे पहले तुम मुझे देखो। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास 3G नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती। सबसे पहले दुल्हन की ड्रेस में मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे। बस नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त।
हो सके तो इसे कोई तकलीफ मत होने देना। चुप चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? यहाँ से तेरी नहीं मेरी भी बेटी है, और मुझे पता है कि बेटियाँ कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूँ। बाबा टैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स। हाँ वही वही, देखा बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। एक मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए पर ये हमारी परंपरा है, मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो ना इन्हें। आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है तो चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती, जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी, आप सिर्फ दुल्हन को लेकर जाइए। देखिए इस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं देवी गौरी के बिना दुल्हन को लेकर ही नहीं जाऊँगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? मतलब गौरी देवी के बिना आप हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? आप मुझे गलत। एक मिनट, देखो मैं बात करता हूँ। ये जो बात कह रहे हैं, क्या बात करनी रह गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? गौरी देवी के बिना हमारी बेटी की डोली नहीं उठेगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? सासुमा अपने पापा के कहने का गलत मतलब समझ लिया है। आप जबरदस्ती बात को बढ़ा रही। बात मैं नहीं, तुम लोग बढ़ा रहे हो। गौरी देवी को दुल्हन के साथ घर ले जाने की तुम्हारी परंपरा है ना? मैं समझ गई। ठीक है चलो तुम्हारी परंपरा से करते हैं। तुम्हारी परंपरा में दामाद को घर में ही रखते हैं ना, तो मैं भी अपने घर में ही रखूंगी। क्यों दामाद जी, घर जमाई बनोगे? देखिए जो बोलना है तमीज से बोलिए। तमीज से? तेरे खानदान में तमीज है? हाँ और क्या, आपको? तुम चुप रहो। देखिए बहन जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गलती? गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर। पापा जी ये देखिए, मैं मूर्ति ले आया हूँ, चलो अब दुल्हन लेके चलते हैं। तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने गौरी देवी को क्यों छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कुल देवी को हाथ लगाने की? पापा, पापा, तुम्हें लगी तो नहीं? तूने मेरे दामाद के ऊपर हाथ उठाया, बदतमीज औरत! मम्मी, तेरी जात का मुझे कमीने, पापा को मारा तूने? तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, अपनी माँ समान सासू पर हाथ उठाया। तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, मेरे सामने से चले जाओ। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला आदमी मर्द नहीं होता है। मुझे तुझ जैसे बदसात से शादी नहीं करनी। दीदी, ओह शादी अभी अभी हुई और तुम लोगों पर सास बहू वाली सीरियल का असर हो गया क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दीदी मुझे पता है आप इसलिए मुझसे नाराज हो ना, क्योंकि मैं निशा की शादी में नहीं आ पाया। अरे मैं करूँ तो भी क्या करूँ दीदी, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे, मेरी परेशानी का तो एंड नहीं होता। वो छोड़ो, दामा जी, जीजा जी, बड़े ग्लो कर रहे हो, शादी बेटी की हुई है या तुम्हारी? कहीं दूसरी फैमिली तो नहीं बना ली? अरे शट अप, छोड़ छोड़। अरे जीजा जी आप भी मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो बता दिया ना, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे, मेरी परेशानी का तो एंड नहीं होता। दादी वाह, लगता है बेटी के घर में खूब ऐश हो रही है। अब तो पोती की भी शादी हो गई है, लंबी उम्र के लिए तुम खूब प्रार्थना कर लो। चुप कर। तुम भी नाराज हो गया मुझ पर, दो बार तो बताया, तीसरी बार बताता हूँ, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे, मेरी परेशानी का तो एंड नहीं होता ना। बेटी, मामा जी, तेरे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सारे देवी देवताओं को नीचे बुलाऊंगा, वो भी अभी। दीदी नदिया के किनारे मैंने बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, पिंक कलर का। अरे एक नई हाउस बोट भी मंगवाई है केरला से, वो भी पिंक कलर की। अरे मामा हूँ ना मैं,
अपनी भांजी का हनीमून बार बार थोड़ी होने वाला है ना दीदी है? मैंने तो सारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, मामा के मोटर बोट में घूमेंगे, तुम तो 9 महीने के पहले ही नारी बन जाओ। दीदी अगर मैं वहाँ मौजूद होता ना तो उनके कान के नीचे ऐसे भगवान, तुम सिर्फ हाँ कर दो दीदी, मेरे लोग तैयार है, मेरे कहने पर जान दे देंगे, मैं 2 ट्रक भरकर आदमी ले जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ अहिंसा से काम लेते हैं क्या? ठीक है दीदी, पुलिस को बुलाओ, हम उनके ऊपर इतने सारे केस लगा देंगे कि सारी फैमिली चक्की पीसते बैठ जाएगी। अपना मुंह बंद कर, क्या इनको उल्टा सीधा मशवरा दे रहा है तू? हमें निशा को ससुराल से बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तू बीच में मत बोल। दादी माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम चुप रहो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्यों बात कर रही हो? अरे बहुत हो गया। अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो टॉर्चर करेंगे नहीं हमारी बेटी को? दीदी जरा टीवी सीरियल याद करो, अगर उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया या जहर देकर मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब साफ साफ बताओ हमें क्या करना चाहिए। अरे करोड़पति लड़का ढूंढेंगे और निशा की वापस शादी कर देंगे और क्या। अरे ये सब इतना आसान है क्या? धूमधाम से शादी हुई, शादी के वीडियो है, रजिस्ट्री तक हो चुकी है। कुछ भी इलीगल किया तो ऑपोजिशन वाले बात का पतंगड़ बना देंगे। हमें सब कुछ लीगली करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, तलाक की मांग करनी होगी, तब जाके ये मामला सुलझेगा। ले लेते हैं ना, उसको इतना खर्चा नहीं आता है, एक वकील। भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो हुआ सो हुआ, जिंदगी में गलती तो सबसे होती है, हमें मामले को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल कंसेंट। हाँ कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ। मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार पापा जी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा अभी तक आपने देखा ही क्या है, आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, मेरी बहन की पहुँच तो दिल्ली तक है आपके। प्रेम किसी और को देना, तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए ना। जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगती डिवोर्स नहीं होगा। बेटा आप चुप रहिए, हमें धमकी देता है ये, इसकी तो मैं। शांत हो जाओ, घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी, हाँ। जैसा कि आपने कहा गलतियां सबसे होती हैं, बजाय गलती सुधारने के यहाँ आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का पतंगड़ मत बनाइए, बात बनाने से बन जाएगी, वो हमारी बहू और बेटी भी है, उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या बताऊँ दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला। वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया यार, मैं तो शादी करके भी कुंवर रह गया। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बोलिए जीजू। क्या ?498 डाउरी हैरेसमेंट, 324 दुल्हन पर जोर जबरदस्ती करना। हमारी पूरी फैमिली पर न जाने कितने चार्जेस लगाए हैं उसने। हालांकि केस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, ऐसे केस में जमानत नहीं होती, सीधे अंदर 3 साल के लिए। ये पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। मैडम कहाँ है? मैडम को बुलाओ। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आप दोनों ही अच्छे घराने से हैं, समाज में इज्जत भी है। अगर आपकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आप दोनों को सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में मामला सुलझा लीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं, हमें तो बस तलाक चाहिए। ये समझते हैं मैं इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी तो ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। तुमने ऐसा कहा था? बोला था क्यों? ए, छोड़ मुझे। ए, ए, ए। प्रेम नाई, पेपर सामने हैं, उन पर साइन कर दो। निशा को बुलाइए। निशा,
साइन करो। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. मेरे बेटे को पांच पांच लोग मिलकर मारते हो, बाहर निकलो कमीनो। हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम सबको, टुकड़े कर दूंगा सबके। ए शंकर, बाहर निकाल अपने बेटे को, चीर कर रख दूंगा उसे मैं आज। चुपचाप अंदर चले जा, पर वो हूँ बनकर इसे अंदर ले जाओ। चल भीखू। ए शंकर, तुझे बात करनी है ना तो अंदर आके बात कर, नहीं तो चुपचाप यहां से चला जा। मैं नहीं चाहता कि यहां पे कोई भी खून खराबा हो। छे, मैं जोरू के गुलाम से बात नहीं करता। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज। हाँ, सही कहा तूने, मैं जोरू का गुलाम हूँ और इसी जोरू के गुलाम ने तेरे बेटे को अपनी पत्नी को मारते हुए देखा और वो फिर भी चुप रहा। जानता है क्यों? क्योंकि बचपन में तेरी मां ने मुझे अपने ही बेटे की तरह खाना खिलाया था रे प्रसाद। उसी प्यार ने इस गुलाम को चुप रखा रे प्रसाद। ये मैं तेरी बकवास अब नहीं सुनना चाहता। हिम्मत है तो अपने बेटे को बाहर निकाल, वरना मैं निकालता हूँ उसे। क्या करेगा अंदर जाकर? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मेरे बेटे को मारेगा, उससे पहले मेरा गला काट दे। तुमने शादी में हमारी बेइज्जती की, मुझे और मेरे परिवार को पुलिस स्टेशन में घसीटा तुम लोगों ने, मुझे अपने दोस्त को। फिर भी मैंने ये सब सहन कर लिया सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से। हाँ, दोस्ती की वजह से, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर माना है।
लेकिन अब तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना, अगर आगे से किसी ने मेरे बेटे या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी दोस्ती भूल जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अकेले क्यों गए? छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे बेटा? खुद को हीरो समझ लो, अकेले क्यों गए थे आप? आपको कुछ हो जाता तो पता ना, गुंडे है वो, बच्चों जैसी हरकतें करते। क्या क्या बेटा? क्या बेटा? बेटा मैं बेटा नहीं आपका। क्यों गए थे बताइए? तुम्हें मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए आप उन्हें मारने चले गए वहां? बोलिए पापा। तुम्हारा खून देखकर मेरा खून खौल उठा। आप जानते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। जो होना था हो चुका, अब इन चीजों का फायदा क्या? समझाओ इन्हें। आज आपको बात समझ में आई कि मुझे क्यों शादी नहीं करनी थी? मुझे कुछ दिन अकेले में गुजारने, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैं भी साथ में चलूंगा बेटा। आप क्या करेंगे? आप लोग इन्हें संभाल नहीं सकते हो क्या? कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं घर के बाहर हूं, उन्हें बाहर मत जाने देना। पापा, आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अचानक बाहर क्यों जाना है तुम्हें? जिससे देखो मेरी शादी की ही बात कर रहा है, किसी को कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स, टीवी चैनल्स, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ मेरा ही टॉपिक। इसीलिए मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया है, कुछ दिन वहीं रहूंगी। मैं अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहती हूँ, दैट्स इट। कौन है? गेस करो। अरे बोलो ना कौन है। अरे गेस करो ना। बोलो। ए हॉटी, बड़े अच्छे लग रहे हो। तुम यहाँ कैसे? किंगफिशर कैलेंडर गर्ल, मॉरिशस शूट के लिए जा रही हूँ, याद है? हाँ याद है, कांग्रेट्स। और तुम? काम से मॉरिशस जा रहा हूँ। मॉरिशस जा रहे हो? ग्रेट। ओह तेरी ठंड पै गई। जो संभालो अपने आपको, ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज यार। ओह सब ठीक है, एक बार और गले लग जा। देख रहे हो क्या कर क्या रही हो तुम? अरे यार, अरे तू भी काउंटर उस तरफ है, चलो जल्दी। ओके। इसकी तो मेरे लिए दारू लाओ। दारू ये टाइम पे क्या पियोगी? विस्की, बियर, वोडका, रम, देसी भी चलेगी। हैं? तेरे को देसी का शौक कब से हो गया? छे, ये सब जाने दे, एसिड ही ला दे। एसिड? एसिड का क्या करेगी तू? उस कमीने के मुंह पर फेंक दूंगी जिससे कि लड़की घुमाने के लायक ही ना रहे। मुझसे शादी की और किसी और को घुमा रहा है, मुझे बेवकूफ समझता है। और वो लड़की, वो ना एक नंबर की, वो है मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड से चिपक रही है। असल में मेरी ही किस्मत फूटी है। तू भी कुछ बोलना। तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया, वो दूसरी लड़की के साथ कुछ भी करे तुम्हें क्या? मेरा दोस्त है ना, मुझे सपोर्ट करने के बजाय उसकी साइड ले रहा है। मेरी लाइफ की तो वाट लग गई। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? कौनसा है तुम्हें? उस कमीने कुत्ते का साथ दे रहा है। इतनी गालियां किधर से सीखी? मेरी लाइफ के साथ खेल के किसी और लड़की के साथ मजे लेगा और मैं देखती रहूंगी। उसे क्या लगता है? हाँ, उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, राजेश्वरी की पोती और सुचित्रा देवी की बेटी। अब मैं उसे बताऊंगी कि मेरे साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। अब मैं लंदन नहीं, उसके साथ मॉरिशस जाऊंगी। हे भगवान, इसको मन की शांति देना। तुम्हारा शूट कब है? पहले दो दिन होगा और फिर दो हफ्ते बाद। अच्छा, दो हफ्ते।
No thanks. I'm so sorry. I'm really sorry, ma'am. I'm really sorry. Very sorry, ma'am. Sorry? देखो तुम अब ये क्या? हेलो ओ जी मेरी सीट है। हेलो जो छोड़ो ना यार वहां बैठ जाओ प्लीज। सॉरी ओके सॉरी यार माँ की मेंटल बेटी। ओए, तेरा नाटक बहुत हो गया, मेरा पीछा करना बंद कर। जो मेरी फ्रेंड है, तेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझसे मेंटल परिवार। ए, अपनी औकात में रहो, समझे? इस जगह को दिल्ली समझ, यहाँ पर लड़कियों को दिन दहाड़े उठाकर ले जाते हैं। ज़बान संभाल के बात कर। अरे भाई ये लड़की पागल है, अगर मैं सच कहूँ तो इसका खानदान ही पागल है। जो चाहे इसको अपना बाप का माल समझ कर ले जाए। चल रसना। तो इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो लगता है इसके दिमाग का पेंच ढीला है। तुम बैठो बैठो। ये प्राइवेट टैक्सी नहीं है। मॉरीशस के मैरीना होटल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और आपका भी मैम। एक के साथ एक फ्री? ये आपके लिए नहीं, आपके लिए। आप रिटर्न दे दीजिए सर। वेलकम मैम। क्या आप लोग दुबई से हैं? इंडिया। इंडिया से? इतना फ्रीडम सर? इसमें चौंक क्यों रहा है? आपको देखकर मुझे इंडिया छोड़ने का दुख हो रहा है। मैं वापस चला जाऊंगा सर। पक्का? एकदम पक्का। आइए। गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मेरे खास मेहमान हैं इंडिया से। इन्हें एक बड़ा रूम चाहिए, ट्रिपल बेड वाला, ताकि ये तीनों साथ में रह सकें। ए, मेरा सेपरेट रूम। सेपरेट रूम? सेपरेट रूम। मैडम कॉफी। ओजी तुम किसे देख रहे हो? घबरा क्यों गए? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो बाहर खड़ी है, पर यहाँ क्यों आई है? क्या? अरे वो यहाँ क्या करने आई है? मैं समझाता हूँ। तो मैं ना हेलो एक्सक्यूज मी आ जाओ सुनो बॉस मैं थोड़ी टुन्नू। तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? मेरा नाम निशा है, तुम्हारा नाम जो भी हो। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कहाँ ड्रॉप करूँ? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ? व्हाट?
When was the last time you did something for the first time in your life? मुझे घर छोड़ दो, मुझे चढ़ गई है। Oh shit! मैं तो भूल गई। गाड़ी का नंबर। क्या कर रही है ये? Okay. मेरे गाड़ी का नंबर का फोटो क्यों ले रही है? Smile. हंसने का पैसा लेगा क्या? Click. Safety. Oh. आजकल ना बहुत रेप केसेस हो रहे हैं, तू बुरा मत माना। और मुझे घर छोड़, स्लो स्लो स्लो, गलत जगह मत छोड़ देना। सही है। हेलो हेलो, चिल्लाओ मत। कौन है ये? बाद में बताता हूँ। ऐसे कैसे किसी को तुम घर ला सकते हो? भाई आप मेरा नाम निशा है, आप लोग बाद में बताना। बाप आ जाएंगे, मर जाऊंगा। बहुत एसी ऑन कर भिड़ो। काम हो जाएगा। 30,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, समझे तुम? 1 घंटे में पैसा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, समझ गए तुम? सुनो, तुम बात करो इसे। देखो, बहुत बहुत गुस्से में है, 30,000 रुपए जल्दी से भेज दो, उनका गुस्सा बहुत खराब है, याद रखना। 30,000? अब मैं क्या करूं? मेरा किडनैप? ओह गॉड, साकिना का? ओह माँ, मर गई। ये मोबाइल में क्या मुसीबत है, अभी कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है, एक चमाट लगाऊंगा। अरे ये तो निशा है। हाँ बोल। ओए सर्किट, इतनी देर क्यों लगाई? क्या रे, आज इतना सुबह सुबह कुकड़ो को? पता है मेरा किडनैप हो गया है? कुछ भी, मेरे साथ टाइम पास कर रही है। बकवास मत कर, मैं सीरियस हूँ। उन्होंने मुझे रूम में बंद रखा है, बड़े बड़े हथियार है उनके पास। लगता है मेरा आखिरी दिन है, अगर उन्हें वक्त पे पैसे नहीं मिले तो मुझे वक्त से पहले टपका देंगे। मैं तुझे एड्रेस मैसेज करती हूँ, तो पुलिस को लेकर आ जा। लेकिन एड्रेस कैसे पता चला? जीपीएस से। जीप से? बहरे जीपीएस। तू टेंशन मत ले, मैं एक जाबाज पुलिस वाले के साथ आ रहा हूँ। निशा, निशा, एड्रेस करेक्ट है ना? कहीं तुम मुझे गलत एड्रेस पे तो मिले? अरे बोल रहा हूँ, यही का एड्रेस था। इनकी हिम्मत के मेरी दोस्त को किडनैप कर लिया, मेरे को पहचान तो नहीं है ये लोग। बहुत लंबा कनेक्ट है मेरा। निशा, ए बेरी हो गई क्या? ए, ये निशा कौन है, तुम कौन हो? अबे नंगे, जो बचा कुचा उतार दूंगा, मेरे से पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मेरे को आता देख शेर भी चूहे के बिल में घुस गया। मेरे को टच किया तुमने? मैं बात करता हूँ, तुम चुप रहो। नमस्ते सर। आप चट्टी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे यार तू चुप कर। नमस्ते सर। सर ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या बताओ? निशा, निशा कौन है, किधर घुसा है तू? अच्छा, किडनैपिंग गैंग का अपना एक वकील भी है। छोड़ से। ए, कौन है तू? तू कौन है? डॉक्टर है। ए? तू जरूर फूलन होगी। क्या गैंग है, गैंग के सपोर्ट में औरत लोग भी खड़े हैं। अरे तू इधर, तेरे को भी किडनैप कर लिया लोगों ने। तो तू ही इस ग्रुप का लीडर है, हाफ चड्डी बुड्ढे? क्यों रे, सामने सामने खेती और पीछे पीछे दूसरों की बेटी अगवा करके तू उनको सुबह। अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे? बचाओ, बचाओ! यही किडनैपर है, यही पैसों की डिमांड कर रहा है। क्या मैं? क्या तेरा भूत? पुलिस को देखते ही तुम बदल गया? 30,000 रुपए डिमांड थी इसकी। 30,000? देखा इंस्पेक्टर साहब, ऐसा चिंदी अमाउंट के लिए लोग किडनैप करते हैं। नोच हो गया। एक चांटा मारा तो 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी तेरी। बोल रहे हैं? कोई बताएगा मेरे घर में क्या हो रहा है? ये लड़की प्रेम के रूम में क्या कर रही थी? पुलिस मेरे घर में क्या कर रही है, कोई बताएगा? पापा, आप रुकिए, मैं पूछता हूँ। हाँ, तुम यहाँ आओ, निकल यहाँ से, निकल। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कौन लाया? तुम अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश करो।
मामला क्या है बता मुझे। असल में पापा, ये लड़की कल रात को शराब के नशे में धुत थी और प्रेम ही इसे यहाँ लेकर आया था। इसकी तो प्रेम दारू पीकर तुम थी और साथ पूछते मेरी बहरी हो जाती। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ये लड़की बेवड़ी है। मुझे क्या पता। तुम ले जाओ इस बेवड़ी को यहाँ से, ले जाओ ले जाओ। प्रेम बताया क्यों नहीं कि तुम उसी लड़की से प्यार करते हो? डर लगता है। पसंद करते हो ना? वैसे बहुत अच्छी है। हाँ। वो लड़की तुम्हें अच्छी लगी ना? तुम उसे बिंदास आई लव यू क्यों नहीं बोलते थे? ये इसमें दम है क्या? इसमें दम की बात कहाँ से आई प्यारी बहनों? वो हमारे पूरी फैमिली को किडनैपर समझती है। किस मुंह से मैं उससे जाकर आई लव यू बोलूं? बेचारा। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उसका बुरी तरह से दी एंड हो गया। क्या भाभी अच्छी थी? भर्गो देवस्य धीमहिम। अंकल सुनिए, अंकल अंकल जी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बेटी आज अकेली आई हो? पुलिस साथ में नहीं लाई? मुझे माफ कर दीजिए अंकल, I'm very very sorry अंकल। उस दिन जो भी हुआ ना वैसा मैं करना नहीं चाहती थी, बस अचानक से हो गया अंकल। मैं रात भर सो ही नहीं पाई। उस दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो आप किसी से ना 30,000 रुपए डिमांड कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा किडनैप हो गया है। I'm sorry अंकल, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। हाँ माफ कर दीजिए, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं झुक कर माफी मांगता हूँ। हाय हाय अश्विन, गो गो गो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कॉफी पीते पीते। तुम रोज पीती हो? जी जी, कसम से मैं दारू नहीं पीती। वो तो उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। मैं तो बेड़ों से बात भी नहीं करती। आप जैसे शरीफ लोगों की तादाद बहुत ही कम हो गई है। अगर और कोई होता ना तो मेरी सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझ पर चांस मारता। वो तो आप थे, इसी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सो नाइस ऑफ यू। इट्स ओके, घर छोड़ दो। नहीं, इट्स ओके, मैंने गाड़ी मंगवा ली है। साले को अक्कल नहीं है, पकड़ो सिल्लू को। वो रहा भीड़ू, जल्दी कर जल्दी, सिग्नल पर ही है। ओके ओके ओके। हेलो। हाय, ये किस लिए? तेरे लिए, पूरी पिए बिना ही फेंक दे। ओके, मजा आया। बाइक अच्छी चलाते हो। ओके, बाय बाय। निशा, एक मिनट। हाँ? मेरा चार्जर खराब हो गया है, खरीद ही लेता हूँ। रजनीकांत, आई लव हिम। तुम इनसे मिले हो? अगर अच्छी लग रही हूँ तो 5-star होटल क्यों नहीं ले गए? हर बात झूठी। नहीं, तुम तो कभी झूठी नहीं बोलते। ज्यादा भूख लगी है? तो हम चलें। हाँ, 5-star। एक मिनट रुको, इस खाने को फेंकने के बजाय आप मुझे पैक करके दे देंगे प्लीज? दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच।
मैंने तुम्हें सुबह से परेशान कर दिया, उसके लिए सॉरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पता है क्या, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लाइफ में पहली बार मैंने कुछ नया किया है। तुमने पूछा था ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ। आज मैं इसका मतलब समझा। इट्स रियली नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मैं आई लाइक यू। मैं चलती हूँ। क्या हम फिर से मिल सकते हैं आज शाम को? नहीं नहीं, शाम तो बहुत दूर है। मेरे घर वालों से मिलोगी? ये है मेरा बेटा और ये है मेरा दोस्त मूर्ति, इनकी पत्नी और इनकी बेटी। मैं इससे तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। पिताजी मैं कुछ, तुम इससे बात करना चाहते हो ना? ठीक है दामाद जी, पिता जी इन दोनों को अंदर लेकर जाइए। जाओ बेटा जाओ। पर मैं शारदा। हाँ पापा। इनको अंदर ले जाओ। हाय। आराम से बैठो। देख प्रेम, बिंदास बात करना, डरना नहीं है। तू क्या खड़ा है, चल। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ ना। मैं यहीं ठीक हूँ अंकल। हमारी फैमिली फ्रेंड है। हाँ। आ जाओ, शर्माओ मत। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है बेटा, दोबारा आना। नमस्ते। एक मिनट। अभी अभी बैठिए बैठिए। रुक रुक रुक, यहाँ बॉम्ब है, यहाँ बैठिए। बैठ जाइए, वहाँ बॉम्ब था। बैठिए। यहाँ कांटा भी नहीं है, यहाँ सब क्लीन। मुझे लगता है मुझे वो लड़की पसंद है। सॉरी, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। ओके बाय बाय। अगर बेटे को पसंद आ गई तो चटपटी पड़ जाएगा। जी जी जा, थोड़ा अंदर गई। क्या हुआ? सॉरी। वो लड़की आई थी, कहां गई? अरे अंदर गई। जाने क्यों दिया? मैं आता हूं। भैया जल्दी चलो। जल्दी कहां जा रही हो? क्या प्रेम ने कुछ बोल दिया? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। निशा, तुझे रोका क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे प्रेम, रुको। मुबारक हो, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई ना? वो लड़की बहुत ही सुंदर है। सच में वो बहुत ही किस्मत वाली है कि उसे तुम मिल रहे हो। मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी निशा? निशा, सॉरी, तो तुमने तो मेरी बात सीरियसली ले ली। मैं तो मजाक कर रहा था। मत करो मुझसे शादी, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। देखो, रो मत तुम, प्लीज तुम रो मत। मत करो मुझसे शादी तुम, प्लीज। चले। शादी की बात माँ से करनी होगी। Yeah.
I'm sorry. सॉरी, सुन के बहुत बुरा लगा। मेरी शादी टूट गई और तुम उछल उछल कर नाच रही हो। हाँ। अजी तुम्हारा तलाक हुआ है ना? यानी अब मेरा नंबर है। हे, स्टॉप इट यार। वो तुम्हें मेरे साथ देखकर जल जाती है, परेशान हो जाती है। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये लड़की यहां खुद से आई है या फिर मेरा पीछा कर रही है? इसने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है तो पीछे नहीं आना चाहिए था। अगर उसे इतनी परवाह है तो उसने डिवोर्स दिया ही क्यों? मना भी तो कर सकती थी। मेंटल पागल। काम हो गया मैडम? कॉफी? अक्कल नहीं है मैडम? नीच, कमीनी, कुत्ती, कुत्ती, राक्षसनी, भूतनी, BITCH। I'm really very sorry भैया, मैंने आपको गाली नहीं दी। वो क्या है ना कि मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा हो गया। मेरा नसीब ही खराब है, तुम रख लो इसे और बुरा मत मानना। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ। समझ गया। सिस्टर, उसे ऐसा लगता है कि मैं दिखने में छछुंदर जैसा हूँ, पर मेरा काटा पानी पी पी कर मरता है, और मैं यहाँ उसे समंदर का खारा पानी पिला पिला कर मारूंगा। बहुत यमी है, टेस्ट करना। नहीं यार। अरे मैं खिलाती हूँ। क्या हुआ? ना कुछ नहीं। ये सचमुच अच्छा है, एक बार ट्राई करो। तुम आ करो, मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। डिवोर्स हो गया। मुझे ही कुछ सोचना होगा, पर मैं क्या सोचूं? नहीं, नहीं। अगर हम सिस्टर, सिस्टर, पानी में कूदकर अपनी जान क्यों दे दी सिस्टर? मैं यहाँ हूँ। शुक्र है धरती पर अभी भी बोझ हैं। छोटे से भेजे का बड़ा आइडिया। कल वो लड़की स्विमिंग करने के बाद अपने बॉडी पर सन लोशन क्रीम नहीं लगाएगी। क्यों? उसकी जगह लगाएगी गजकरण क्रीम। हाँ?
मेरा मतलब खुजली वाली क्रीम। क्रीम लगाते ही उसके पूरे शरीर में ऐसी याहूम खुजली होगी जिससे उसकी नानी याद आ जाएगी। वो जल बिन मछली बन जाएगी और वो मॉरिशस के एयरपोर्ट से रिटर्न टिकट लेकर इंडिया चली जाएगी। आना चाहिए था ना तेनु, कितना मजा आता। अभी तो मेरे साथ ही चलोगे? मेरा मूड नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, लगा लगा जरा पीछे लगा दो ना, पीछे प्लीज। अब क्या हुआ? खुजली हो रही है जी। ये पता नहीं बहुत खुजली हो रही है, नहीं पता क्या हुआ, कैसे, कौन सी क्रीम लगाई तुमने? चलो 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 मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। बेड़ा गर्क। मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगी। ऐसे मुझे ये बताओ, मॉरिशस में सबसे जहरीला जहर कहाँ मिलेगा? तुम उसके जूस में वो जहर मिलाओगे और जब वो उसे पिएगी तब उसे पता चलेगा कि मैं भी महारानी जोधा हूँ जो अब काली माँ का रूप ले चुकी है। मैडम आपके लिए लाल जूस लाया हूँ। अब आई का मजा। पाइनएप्पल क्यों पी रही हो? अरे गन्ने का जूस मिलता नहीं ना, तो ये पी रही हूँ। सर आपको भी ये वाला कलर चाहिए? नहीं सर, मॉरिशस का एक बहुत ही स्पेशल जूस है सर, जिसे धूप में बैठकर पीने से स्टैमिना बढ़ता है सर। मैं ऑलरेडी फिट हूँ। अरे यस, मैं आपके लिए पीला जूस लेकर आता हूँ सर। आज तो बच गए। जानू, तुम मेरे होते हुए भी उस भूतनी के बारे में सोचते हो? मतलब? चुड़ैल, तुम्हारा डिवोर्स हो गया ना? हाँ, डिवोर्स तो हो गया। इसका क्यों पेट दुख रहा? तो फिर तुम और वो? मैं और वो क्या? मतलब? कहना क्या चाहती हो? मतलब शादी? ठीक है क्या? सिर्फ पर्सनल सवाल पूछती हो? मतलब कुछ भी नहीं। डिवोर्स के बाद दूसरी शादी करना चाहते हो? सोचना पड़ेगा। सॉरी, मैं सीधा सीधा ही पूछती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? शादी दो दिलों का। नहीं, चलो यहाँ से। जो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी दोस्ती, ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उसी नजर से तुम्हें देखता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम शादी कर लो, फ्रेंडली वाइफ बन जाऊंगी, सिंपल। मैं जानता हूँ कि मेरा तलाक हो चुका है और शायद वो लड़की वापस भी ना आए, लेकिन आज भी दिल की गहराइयों से मैं उसी लड़की को अपनी पत्नी मानता हूं और मरते दम तक मानता रहूंगा। Over here?
Yeah, sure. My pleasure. Are you staying in this hotel? Yeah, only? Same hotel. Alone? Absolutely. So, after party in your room? Why not, baby? Nice muscles, huh? तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ बेहुदा बातें करते हुए? कपड़े कम हो गए, अकल भी कम हो गई। Shame on you. कौन हो तुम? मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें उससे क्या? मुझे टोकने का हक किसने दिया तुम्हें? उस चुड़ैल के बारे में मैंने पूछा? छी! मुझे मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछना होगा। छी! What's your problem? हाय कैसे मारा है मेरे नए नवेले दोस्त को? तुम आदमी हो के क्या हो? अभी बताता हूँ। सारी दुनिया को मंदिर का घंटा समझ रहा है क्या? जिसे जब देखा जहाँ देखा बजा दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता है मैं क्या करूँगी? क्या करेगी? बता जल्दी। मैं गुस्से में कुछ भी कर जाऊँगी। क्या कर जाएगी? मैं भाग जाऊँगी। रुक रुक। आज तेरा गुस्सा देखता हूँ। रुक जा। पागल बनकर दौड़ा पड़ा है। Sorry, boss. I'm very sorry, Jo. अरे it's okay, यार. तेरे लिए कुछ भी करूँगी. Please, Jo. Sorry. अब जरा मुस्कुरा तू. मुझे उसके लिए दुख हो रहा है यार. डर गए क्या? तुम्हारे साथ वो चुड़ैल नहीं आई? ओह, कपड़े बदल कर आएगी हाँ? Hey! टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। पीछा छूटेगा तुमसे, बाय, जाओ। मैं जानती थी तुम्हारी सोच घटिया ही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इसी दिन के लिए मुझे प्रपोज किया था? मैं ही पागल थी। तुमने तो मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। खून के आंसू तो तुमने मुझे रुलाए हैं, शायद तुम भूल गई। याद है मेरी माँ पर तुम्हारे बाप ने हाथ उठाया और तुम कुछ नहीं बोले, खड़े खड़े बस देखते ही रहे, है ना? मेरे परिवार को तुम्हारी माँ ने जेल में ठूसने की धमकी दी थी, तब क्यों चुप थी? तुम्हें पता है मेरे पापा ने कभी मेरी माँ पर हाथ तक तुम अगर औरत पर हाथ उठाओ तो मैं उसे मर्दानगी की निशानी समझूं। अपने पति पर मंगलसूत्र फेंकना किस चीज की निशानी है? मतलब डिवोर्स ले लो। मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था, तेरी माँ ने भेजा था तेरे मामा को। डिवोर्स पेपर पर पहले तुमने साइन किए थे। मुझ पे इल्जाम लगाती हो, गलती तुम्हारी थी। गलती तुम करो, इल्जाम मैं लूं। तुम्हें तो मौका मिल गया उस चुड़ैल के साथ मजे करने का। ए, उसे बीच में मत घसीटो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा और तुमने मुझे ये सिला दिया, मुझे तलाक देकर, मुझे दुख देकर तुम उसके साथ मजे कर रहे हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर भरोसा कर लिया। बस अब और नहीं सहूंगी, बस ये बता दो कि सच्चा प्यार करने का यही सिला मिलता है। निशा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? मैंने जहर खा लिया है ताकि तुम्हारी दुनिया से दूर जा सकूं, ताकि तुम खुश रहो। क्या? अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी जिंदगी जी लेना। निशा, निशा, ए, ए, निशा, ये मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरे पागल, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकता। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था। हेल्प, कोई हेल्प! और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तुम्हें नहीं जाऊंगा और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। Take care. Thank you, doctor. Welcome. Thank you. You're welcome. मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया था। मैंने सिर्फ तुम्हें से प्यार किया है।
स्टुपिड। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? I love you. I love you too. Love you. हमारे साथ चलो ना, प्रेम तुम्हें वहाँ काम दिलवा देंगे। अरे हाँ, नहीं इसे रखो। एक बात कहूँ, आप दोनों हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, लड़ते हुए आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वादा करो आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, बाय। थैंक यू जीजा जी। I'm really very sorry. Seriously very sorry. नहीं नहीं, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तू लकी है, तू बहुत लकी है, पर अगले जन्म विच ये मेरा होगा। नहीं। ओ नो, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये तो वही है ना। ओ नो, मेरा भाई। इसे कंट्रोल कर, छोड़। रुक जाओ, मैं खुद इसके साथ आई हूँ। शर्म नहीं आती? अभी माँ को फोन करता हूँ, बहुत बड़ी हो गई है तू। हेलो माँ। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम देखना सब लोग हमें देख कर कितने खुश होते हैं, वो दोबारा हमें हनीमून पर भेजेंगे। सॉरी, तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे पापा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अपने घर नहीं जाना, मेरे घर नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हम होटल में रुक जाते। होटल? मेरे घर चलते हैं, मेरी बहनें तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब बता देते हैं, वो हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hey, क्या हो रहा है? यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, अंदर देखो वो अंदर ही होगी। रुक जाओ। ये सब क्या नाटक हो रहा है? नाटक तो तुम्हारा बेटा कर रहा है। आखिरी बार बोल रही हो, अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसके टुकड़े कर दूंगी। अगर मैं औकात पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हा? भाई तुम ही बताओ बात क्या है आखिर। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता नहीं। तेरा बेटा मेरी बेटी को एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया। देखा कैसे भोला बन रहा है। मेरा बेटा तो इंडिया में ही नहीं है। ये नाटक कर रहा है, घर की तलाशी लो। आप हमारा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर वो घर में नहीं है तो तलाशी लेने दे। नहीं पापा जी, अगर इनकी बेटी यहाँ नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। इस तरफ आ जाओ, जाने दो। अगर मेरी बेटी तेरे घर में मिल गई ना तो तेरी। वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है? ए, इन सबको जल्दी से गाड़ी में डालो। प्रसाद,
मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर में एक घंटे में पहुंच जानी चाहिए। समझे तुम? बस वरना आज यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। याद रखना। चल तुम। चल। जीजा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीदी ये क्या बोल रही हो तुम? प्रेम, तुम इसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर आए हो? दीदी अपनी मर्जी से यहाँ। लड़की जब भी घर आती कुछ ना कुछ होता है। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ है? बताओ इसे कोई। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। हाँ। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पर तो इसका जादू चल गया है ना? पर मैं चुड़ैल को यहाँ से तुम्हें पता है इसकी माँ कितनी बेइज्जती करके गई है? इसने हम सबको यहाँ बाहर चोरों की तरह खड़ा कर दिया था। इसकी माँ ने पूरे घर की तलाशी करवाई। आखिर तुम इसे घर क्यों लाए हो? दरअसल पापा बात यह है कि ये मुझे मॉरिशस में मिली। मतलब तुम इसे अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आए हो? तुम ये नहीं जानते कि ऐसा करके तुमने पापा का सर नीचा किया है? इसकी माँ धमकी देकर गई है कि एक घंटे में इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब जेल में जाएंगे। आप जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दीदी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप जाकर उसकी माँ को समझाइए। हम लोग उन्हें क्यों समझाएं? इसकी माँ ने यहाँ पर आकर हम सबकी बुरी तरह से बेइज्जती की है। तो तुम क्या चाहती हो बताओ? तुम्हें इसे चुनना होगा या फिर अपने परिवार को। इस लड़की को मैं यहाँ लाया था अपने विश्वास पर। मैंने कहा था आप सब इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप इसे जाने को कह रहे हैं। ओके ओके, तुम इसे लेकर रहो घर में, हम सब यहाँ से चले जाते हैं। चलो पापा। दीदी प्रेम रुको, प्रेम रुक जा, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोग अलग मत होइए, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं प्रेम, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं, उनका जो फैसला होगा मैं मानूंगा। बोले पिताजी। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। पापा क्या? तुम मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? यही है मेरा फैसला, इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। इसमें इसका क्या कसूर है? मैं इसे लेकर। शंकर मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। ठीक है। निशा के मिलते ही उन सबको मार डालना। सुचित्रा मेरी बच्ची आ गई। तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने? प्रेम चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। प्रेम प्रेम चले जाओ, जाओ जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज प्रेम जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्रेम जाओ। पापा चले गए, मैंने अपने परिवार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हम
हमेशा हमेशा के लिए। पापा, आप लोगों को मेरी इमोशनल एक्टिंग कैसी लगी? तुम अब भी उससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ, हाँ? क्या सचमुच प्यार है तुम्हें उससे? हाँ है। वो मेरे पति है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। और आप, आपको हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। बदतमीज। बुरा लगा ना ये जानकर कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ? आप इस बात को नहीं समझ सकती, प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ये अब मुझे समझ में आया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे थप्पड़ मार के कितनी बड़ी गलती की। आप भी तो मेरा घर उजड़ने से बचा सकती थी ना। छी, आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, आपने ये भी नहीं सोचा। यहाँ नहीं रहेगी, भेज दो तुझे, बाहर भेज दो तुझे, छोड़ दे, चल मेरे साथ, मेरी बच्ची को छोड़ दो, चल, चल अंदर, चल, बेशर्म रहेगी, चल। माता जी, आप अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा मत कहिए, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं, बताइए क्या बात है? सुचित्रा निशा की शादी कर रही है। क्या? दूसरी शादी? ये क्या कह रही है? प्रेम को फोन लगाओ। जी पापा। नमस्ते सासू माँ। जी। नमस्ते ससुर जी। निशा की दूसरी शादी कर रहे हो? वो फोन आया था उसका मुझे। कैसा न्याय है ये? पहले पति को बीवी की दूसरी शादी में बुलाना चाहिए ना। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ही दूल्हे के पिता हैं? हाँ मैं हूँ। और तुम दूल्हे हो? हाँ मैं ही हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी बीवी का अब तक मुझसे डिवोर्स हुआ नहीं है। बिना डिवोर्स के ये शादी तो इलीगल होगी ना, मतलब नॉन अवेलेबल अरेस्ट। वैसे आजकल जेल में भी काफी फैसिलिटीज हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना, लड़की शादीशुदा है। देखिए, हम शादी की बात इन दोनों के डिवोर्स के बाद ही करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। चलो बेटा चलो। अरे रुकिए, अरे प्लीज। यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। प्रेम, गुंडा समझ लिया तूने अपने आप को? प्रेम, प्रेम, मुझसे दुश्मनी है तो मुझसे बता दो। मेरा गुस्सा आप उस पर उतार रही हो, उसे क्यों टॉर्चर कर रही हो? वो मेरी बीवी है और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। मारो मुझे, निकालो अपनी भड़ास मुझ पर, मारो मारो इसे। माँ, उन्हें रोक लीजिए प्लीज माँ। अच्छा, ये ले। कुत्ते
है? मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ना नहीं। छोड़ दो उसे। ये क्या है? मुझे जाने दो। तुमने मंगलसूत्र पहना है? इसने पहनाया तुम्हें? बोलो, बोलती क्यों नहीं? इसने मुझे मारा था, याद है? निकाल! मंगलसूत्र निकाल! मैं बोलती हूँ निकाल! चल फेंक दे, निकालूंगी। निशा, नहीं निकालूंगी। प्रेम, निशा। प्रेम, मुझे यहाँ से ले चलो, प्रेम ले चलो। नहीं निशा। इसे माफ कर दीजिए सासू माँ, इसने आप पर हाथ उठाया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई इससे, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों को माफ कर देने से बड़े छोटे नहीं हो जाते। जरा आप ही सोचिए, अपने पिता को चप्पल से मार खाते देख कौन सा बेटा होगा जो चुपचाप सहलेगा? इसलिए मैंने भी आप पर हाथ उठाया था। मेरी इस गलती की सजा आप अपनी बेटी को मत दीजिए। घर पर आप ही ने कहा कि मैं निशा को उसकी माँ के पास छोड़ाऊं। मैंने उसे उसके माँ के हवाले कर दिया। मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों कहा। आप चाहते थे कि आपका परिवार कभी ना टूटे, इसीलिए उसे निकाल दिया। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए पिताजी, ये जो सामने लड़की खड़ी है, जो आपके बेटे की पत्नी है, मेरी बीवी है, क्या वो आपका परिवार नहीं? आपका बेटा होने के नाते मैं आपका परिवार, तो मेरी पत्नी आपकी बहू नहीं? राखी बांधती हो ना मुझे, हैं? मुझसे कहती हो कि उस लड़की को चुनो या आप लोगों को? अगर मैं कहूं कि मुझे चुनो या जीजा जी को, तो तुम मुझे चुनोगी या प्यार करने वाले अपने पति को? जवाब दो ना दीदी मुझे, है कोई जवाब? रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होता। जीजा जी, पिताजी के बाद एक बाप बंद कर आप ही लोगों ने मेरा ख्याल रखा है, लेकिन जब सचमुच मुझे आपकी जरूरत थी, तब आपको एक पल के लिए अपने इस छोटे साले का ख्याल नहीं आया। हमारे माँ बाप का हम पर अधिकार है, हमें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। निशा,
हम अलग हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। सासु माँ, निशा का ख्याल रखना। अरे वाह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और मुझे तो पता ही नहीं चला। सच बात तो यही है बेटा, तू और निशा इस परिवार का हिस्सा थे और रहोगे। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे गलती हो गई है बेटा। हो सके तो मुझे, मैं तो बस यही चाहता था कि तेरा घर बस जाए, तेरे बच्चे हो और उनके साथ मैं भी खेलूं। क्या गलत सोचा मैंने? पापा अब बड़े हैं, बड़े अगर बच्चों से माफी मांगे तो अच्छा नहीं लगता। एक औरत पर हाथ उठाया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल मेरी यार। मुझे बोलने दे, मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी बहन जैसी समथन पर हाथ उठाया मैंने, मैंने सचमुच गलती की है, मुझे माफ कर दो बहन। प्लीज ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी भी थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी नहीं, गलती मेरी थी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बेटी यहाँ आओ, रोना बंद कर बेटी, बस सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, सब ठीक हो जाएगा। आजा, आजा। तुम सिर्फ दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसे हो, उससे भी बढ़कर हो। और ये लड़की हमारे हाथों से निकल चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए। इसे लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू माँ। जाओ बेटी, अपने पति के घर जाओ। अरे सुचित्रा, ये क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम लोग गौरी देवी को साथ नहीं ले जाओगे? सुनिए, मैं बीवी को किस करने वाला हूँ, आंखें बंद।